रूस यूक्रेन जंग को आज एक साल पूरा हो गया है। यूएन जनरल असेंबली में गुरुवार देर रात यूक्रेन में शांति और रूसी सेना की वापसी को लेकर प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हुआ। 141 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं सात देश जो है बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, माली, रूस, एंट्रिया और निकारकुआ से रूस को साथ देते हुए प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। बता दें कि भारत, चीन और पाकिस्तान सहित 32 देशों ने यूएन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 11 पैराग्राफ के इस प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि यह प्रस्ताव यूक्रेन के लिए वैश्विक समर्थन का सबूत है। वहीं रूस ने यूएन एम्बेसडर दिमित्री पोलंस्की ने इस फालतू इसे बताते हुए खारिज किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रस्ताव शांति नहीं लाएगा बल्कि इससे जंग भड़कने वालों को ज्यादा हौसला जो है मिलेगा।